आइए बात करते हैं नर्मदापुरम जिले के इटारसी में डोलरिया के पास वेल्डर की ट्रेन की चपेट में आए से रेल कर्मचारी में आक्रोश बढ़ गया है। गुस्साए कुछ रेल कर्मचारी और लोगों ने ट्रेन रोक ली। करीब 50 मिनट तक गोदान एक्सप्रेस को रेल कर्मचारियों ने रोके रखा। सूचना के बाद भी करीब 2 घंटे तक रेल कर्मी का शव नहीं उठाने से और ट्रेन लगातार शव के ऊपर से गुजरने से रेल कर्मी आक्रोशित हो गए। रेलवे प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रेन रोकने की सूचना मिलते ही इटारसी जंक्शन से RPF, GRP, डोलरिया पुलिस और रेलवे के अधिकारी ADEN, PWHI, चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर ही खड़े रहे। इस दौरान खंडवा से इटारसी आने वाला रेलवे ट्रैक प्रभावित। सूत्रों के मुताबिक मेहरगांव निवासी विजय बारवे रेल कर्मी है जो ट्रैकमैन के पद पर पदस्थ है। डोलरिया में शाम 5:40 से 6:30 बजे तक का ब्लॉक लिया गया था। काम पूरा करके टीम के साथ विजय लौट रहा था। विजय टीम के साथियों में सबसे पीछे था। खंडवा से आने वाले ट्रैक पर किसी ट्रेन की चपेट में वह आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। करीब 2 से 2.5 घंटे तक मृतक का शव रेलवे ट्रैक पर ही पड़े रहा जिसके ऊपर से ट्रेनें निकलते रही। सूचना देने के करीब 2 घंटे बाद GRP, RPF और रेल अधिकारी पहुंचे जिससे रेल कर्मचारी आक्रोशित हो गए और खंडवा से आने वाले ट्रैक पर सभी बैठ गए। गोदान एक्सप्रेस को रोकने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। रात में ही भोपाल से अधिकारी भी इटारसी रवाना हुए। करीब 50 मिनट बाद गोदान एक्सप्रेस को निकाला गया। इटारसी से ADEN श्याम नागर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, PWI, चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर अशोक दुबे सहित रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। GRP ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम ले गए। रात 12 बजे शव इटारसी लाया गया। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम होगा। सूत्र बताते हैं रेल के कर्मचारी संगठन नारेबाजी कर सकते हैं।